सुप्रभातम। आज हम वैदिक गणित में नया फार्मूला पढ़ेंगे। सूत्र का नाम है यावदूनम तावदूनम कृत्यम वर्गम च योजयेत्। यावदूनम तावदूनम कृत्यम वर्गम च योजयेत्। इसका अर्थ हुआ कि जितना कम है उतना ही और कम करके, जितना अधिक है उतना ही और अधिक करके, और उसके आगे उसका वर्ग दोगुना चाहिए। जितना कम है उतना ही कम और जितना अधिक है उतना ही अधिक करके उसके आगे वर्ग में, जब वर्ग होगा तो उसका वर्ग दोगुना चाहिए। इस सूत्र में वर्ग है। अब इस प्रश्न को समझने से पहले दो तीन पॉइंट समझना जरूरी है। नंबर एक, आधार। आधार किसे कहते हैं? तो एक और शून्य से बनने वाली विभिन्न संख्याएं, किसे किसे? एक और शून्य से बनने वाली विभिन्न संख्याएं, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ इत्यादि तमाम संख्याएं। तो इसी नाते लिखा गया एक और शून्य से बनने वाली संख्या जैसे 100, 10, 100, 1000, 10000 आदि आधार है, जिनमें एक और शून्य केवल दो ही अंक है, एक है और शून्य है, तो उसको हम आधार कहते हैं। दूसरा है उपाधार। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माने 2 से 9 के बीच में कोई भी एक संख्या हो और शून्य हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई एक और शून्य के जोड़ से, योग से जो संख्या बनती है उसे उपाधार कहते हैं। जैसे 20, 2, 0, 300, 3 डबल 0, 400, 4000, 4 के बाद 3 0, 5, 50000, 5 के बाद 4 0 आदि उपाधार हैं। माने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई एक संख्या हो और 0 हो तो उससे जो मिलता है उसको हम उपाधार बोलते हैं। अगला पॉइंट है विषमम। कोई संख्या आधार से कितना कम है या अधिक है, दोनों बातें, कम भी है या अधिक है, तो उसको हम विचलन कहते हैं। जितना कम है या जितना अधिक है उसको हम विचलन कहते हैं। कम है तो ऋण विचलन और अधिक है तो धन विचलन कहते हैं। आप देखिए जैसे हमने लिखा है संख्या आधार विचलन। संख्या है तो उसमें कहां आपका आधार मानेंगे, क्या विचलन मानेंगे। अब संख्या है 8, 8 10 के करीब है, इस नाते इसका आधार 10 हो गया, और 10 से कितना कम है, 2 कम है, इस नाते -2 हो गया। 9 ये भी 10 के करीब है और कितना 10 से कम है, 1 कम है, इस नाते इसको 1 कर दिया। अब देखिए 12, 12 में 10 से 2 अधिक है, 2 अधिक है, इस नाते धन 2 हो गया। 105, 100 से 5 अधिक है, 105 100 से 5 अधिक है, इस नाते धन 5 हो गया, लेकिन धन शून्य 5 हो गया। क्यों? क्योंकि आधार में हमारे 2 शून्य है। आधार में जितना शून्य होगा उतने अंक का विचलन होना चाहिए। यदि आधार में 1 शून्य है तो विचलन 1 अंक का होगा, आधार में 2 शून्य है तो विचलन 2 अंक का होगा, आधार में 3 शून्य है तो विचलन 3 अंक का होगा। देखिए यहाँ 3 शून्य है तो 0, 0, 3 कर दिया। तो इस तरह से 105 का धन 0, 5 हो गया। 98, 100 से 2 कम है, माइनस 0 तो हो गया। 997, 1000 से केवल 3 कम है, कम है तो इसका माइनस, और 3 कम है तो 3 नहीं दिया, 1000 में 3 शून्य होता है, इसका 2 शून्य और बढ़ा के 3 अंक कर दिया। 997, 1000 से 2 कम है, इसका तो माइनस 0, 0, 2 कर दिया, या 1000 से 2 अधिक है, 1000 2, 2 से 2 अधिक है, इसका धन 0, 0, 2 कर दिया। 1000 से 5 अधिक है, इसका तो धन 0, 0, 5 कर दिया। अब इसका विस्तार कल आगे की वीडियो में बताया जाएगा, नहीं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा और आपको समझने में भी कठिनाई होगी। धन्यवाद।